व्यूवर्स को बताएं तो सही क्यों आप हैरान हुई थी इस बात पे? ये है ईदी बॉक्स। किसका? नेकी का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे बाल रबिया मैडम के घिरे हुए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर चुके होंगे। और अब तो बस क्या कहते हैं, एक रोज़ा रह गया आज के बाद जो है वो तो कल ही पता चलेगा। तो हमने जो है ना वो आज की को ईदी देनी है। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? अभी जो है ना हम लोग सैरी करके बैठे हैं। ये है ईदी बॉक्स। किसका? निकी का। चले अब इसको आप अनबॉक्स करना। नहीं मामा की एफर्ट ज़्यादा है। एक छोटा गिफ्ट मेरी तरफ से, वो आप खोलोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो खोलेंगे अब आप हमारे सामने, अनबॉक्सिंग कर देंगे हमारे व्यूवर्स के सामने भी। चलें ठीक है, करना शुरू करें। थैंक यू सो मच। ये बैंग, अच्छा ये आपको पता है इस तरह ये बैंगल्स आपके लिए भी ली हैं, मामा के लिए भी मैंने ऐसे लेकर आई हूँ, सबरीना खड़ा की तीनों के सेम सेम। अब ईद वाले दिन पहननी है आप लोगों ने, ओके सब पहनिएगा। ये पहचान गई होगी, ये पहचानी आप? जी बिल्कुल मैं पहचान रही हूँ। आप मंगवा लिया था? मैंने उसी वक्त ऑर्डर कर चुकी थी मैं। ओके आ रहे हैं माशाल्लाह से। व्यूवर्स को बताएं तो सही क्यों आप हैरान हुई थी इस बात पे? असल में हम लोग ना उस पे देख रहे थे, दराज पे हम लोग देख रहे थे, मैंने क्या ऑर्डर करें क्या ऑर्डर करें देख रहे थे, उसमें से ये आ गया और भी वॉलेट्स है। हाँ। तो मैंने कहा ना मुझे लेना है यार, प्लीज़ मेरा ऑर्डर कर दो। तो तुमने कहा कि नहीं अभी मैं करनी नहीं, अभी अच्छा अब मुझे बैठेंगे तो तुम भी देखेंगे। हाँ। टालती रही। मैंने कहा मेरा वॉलेट ऑर्डर कर दो, मेरे वॉलेट को बहुत बची रही थी। मैं कह रही थी कि इस दफा एक गिफ्ट भी है, मैं सोच रही थी, मैंने कहा इसको मैंने कोई क्लिप भी नहीं लिया, कोई कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ ये एक मेरे पास ये पड़ी थी, इसको मैं लगाए रखती। वैसे सब लड़कियों के साथ यही होता है, एक क्लिप रह जाता है, एक पिन रह जाती है जो आप यूज़। हाँ लेकिन वो एक ही लगना होता है। हाँ वो एक ही बहुत ज़्यादा बंदा यूज़ कर रहा होता है। यू वेलकम। ये नेल पॉलिशेस ऐसी हैं कि आप लगाएं और आराम से उतर जाएंगी, पील ऑफ है, पील ऑफ है, आपकी नमाज के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना? कलर्स कितने प्यारे हैं ना, मुझे तो इतने क्यूट कलर्स लगे हैं ये, है ना? एंड दिस इज योर ड्रेस स्टिच्ड बाय हिना फार्म। हाँ कल भी तो हमने जाना है, सोच रही थी कि कल क्या पहनना है, यही पहनिएगा आप कल। सो आपको ईद अपनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। चलो अच्छी बात है, हमने कहा आपने इस तरह पैक करके दी, सरप्राइज दिया, तो इससे अच्छी जिंदगी में और क्या। आपकी तरह तो पैकिंग नहीं थी, आपकी तरह नहीं था सब कुछ, तो ये मैंने जो घर में से ही सब कुछ जो है ना सारी पैकिंग वगैरह बॉक्स रेडी करने की कोशिश की, बाकी चीज़ें वगैरह तो अम्मा हजूर लेकर आई थी आपके लिए। आप हैं स्पेशल, आप हमारी फैमिली के लिए हैं स्पेशल, हमारे लिए वो नहीं कहते वो सेंटा होता है ना, हमारी फैमिली का जो सेंटा है ना वो है निकी मैडम। और आमीन सुमा, बहुत देश को अल्लाह ताला आमीन सुमा। तो व्यूवर्स पूछ रहे थे, उनको क्यूरियोसिटी थी कि आप जो है हमारे घर क्यों रहने आई हैं, उस दिन भी क्लियर नहीं हो पाया था। हाँ। लोगों ने यकीन नहीं किया मेरी बातों पे। नहीं ऐसी कोई खास ऐसी कोई वजह नहीं थी, बस ऐसा मैं इशू ये था कि मैं अपना खाना पीना खुद ही करती हूँ, तो अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं रोज़े रखूँ, इबादतें करूँ, मेरे ऑफिस का टाइम भी ऐसा है कुछ 5 बजे ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, 2 बजे तक चलती है, फिर मैं ये कि अब यहाँ पे बजे की हेल्प तो कराती थी, लेकिन ये था कि जिम्मेदारी ऐसी भी थी कि जी बस उठना ही है और अपने लिए सहरी बनानी ही है। हाँ। मैं अपनी घर होती तो फिर मुझे टाइम से पहले कितने कोई और फिर आपके नींद का स्केड्यूल ही ना सही रहे, स्केड्यूल ख़राब हो जाता है, नींद पूरी होती है,
जब नींद पूरी ना हो तो फिर जो तबीयत भी ख़राब हो जाती है। वैसे ही ये वजह थी, कोई ऐसी खास वजह भी नहीं थी, तो बस यही वजह थी। और मेरे इतने अच्छे रमज़ान गुजारे भजिया ने। और अच्छा मेन चीज़ थी इसका रोज़ा रखना, क्योंकि घर में रहते हुए काम के साथ इसकी इसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल। मैं हाँ मैं बताती हूँ आपको, पता है निक्की के ना, अभी बताऊँ पिछले दिनों हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे कि निक्की की ना, निक्की जो है ना बिल्कुल हमारे ना हाथों में आ गई थी। इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि इनसे मूव भी नहीं किया जाए, मतलब अपनी जगह से ना मूव नहीं किया जाता था। इनकी सांस इतनी बुरी तरीके से फूल जाती थी। और फिर आप अगर कुछ लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि सोचते होंगे ये क्या निक्का के, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है निक्का के, तो आपको अभी भी शायद थोड़ा बहुत दिखेगा फेस पे ये रेडनेस। तो ये निक्की का क्या हुआ था, डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि इनकी जो ब्लड प्रेशर है ना वो एक्सट्रीम हाई हो जाता था। एक्सट्रीम हाई होने की वजह से ये इनके फेस पे इतने शदीद दाने बन गए थे कि मतलब इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती। और इनको ये भी चीज़, मैंने तो रोज़े रखने, फिर मामा ने भी कहा कि अगर तुम्हें इतनी ज़िद्द है, मामा को पूरा था कि इन्होंने रोज़े भी रखेंगी और फिर अपनी तबीयत भी ख़राब करेंगी, अगर रोज़े भी ऐसे रखेंगे कुछ खाया पिया नहीं, ऐसी हालत इनकी इन्होंने अपनी रखी है। तो मामा ने कहा अच्छा तो मेरे पास आ जाओ। The next day. जी फ्रेंड, तो नेक्स्ट डे हो गया है और आज जो है ना हमने इफ्तारी नहीं बनानी, क्योंकि आज हमारी इफ्तारी है कशु मम्मी के घर, सिद्धरा मम्मी के यहाँ। सिद्धरा मम्मी ने हमें बुलाया इफ्तारी पे। तो आज जो है ना मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी, ये देखिए, ये जो मैंने लिया था ना रिका से, ये वाला ड्रेस आज हम पहनेंगे। तो हम लोग जो है ना काश्मी मम्मी के यहाँ पहुँच गए। ये रही आयजा, आयजा ने आज रोज़ा रखा है। वाह भाई वाह, अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। यहाँ सब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम कमाल बने थे, बहुत कमाल। मैं तो ठीक हूँ, कैसी हैं आप? ठीक शुक्र। आ गए इतनी जल्दी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम को फॉर्म करो। पहनने के बाद जालिम हो गया। निक्की कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं हमको। मैं क्या, सूट तो जालिम लग रहा है, ये पहनने के बाद जालिम हो गया। जिसे दिया वो बहुत जालिम है। और यहाँ पे स्टारी लगनी शुरू हो गई है। ये क्या है? ये रुअफ़ज़ा, ये दही भल्ले। हमने चीज़ें थोड़ी आप लोगों की मैसअप करें, सॉरी। और किचन में सब आए बैठे, यहाँ पे रबिया भी है, सबिया वाला भी। ओहो चीज रोल है, किसने बनाया? आपने वानिया ने? अरे वाह वानिया प्रो शेफ होती जा रही है। अच्छा मुझे लगता है रमज़ान जो ना, वो जो ये नई बच्ची हैं उनके लिए ना वो है कि हम कुछ बनाएं, ट्राई करें कुछ नया कर, ये छोटी छोटी चीज़ें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ये समोसे, समोसे किसने बनाया? समोसे मामा ने। मामा ने? और रोल वो भी मामा ने, मिक्सचर वगैरह मामा ने बनाया, हमने हेल्प तो की। हाँ वो तो बंदा करता ही है। तुमने कुछ बनाया? मामा जी तुम कुछ करती हो रोजे में? सब कुछ करती हो? और दिखाओ वो ड्रेस तो दिखाओ पीछे होके। एस्टन वाइट एंड वाइट, आज घड़ी भी पहन ली, फौरन ही पहन ली। हुआ जाता है आज, चीज़ें लग चुकी हैं। रबिया का पहन के आ गए आप। और ये है मेरी प्लेट, मैं आप में से चख लूँ, मैं ये अपने लेने निकाल के लेकर आई। चलो और अभी जो ना मैंने बॉयल चेक किया, इतनी यम्मी बने जो चीज़ बॉल बनाई, चिकन चीज़ बॉल। ये रबिया की बात, ये बस उसको पकड़ा दें जैसे कुछ हो ना जाए। नहीं यमी है ना कि मैं तो तीन खा रही हूँ। वेरी वेल डन वानिया। जो है ना हम लोग नमाज वगैरह पढ़ के, और अब चाय से तरफ मम्मी बना के लेकर आएंगे, बहुत मज़े की। और अब सेशन पता नहीं किस चीज़ का। कोई हिना की पैकिंग ना देखे, पैकिंग ना देखे। ओए अल्लाह पार्सल ऐसी उठा कर अभी पार्सल को मम्मा पार्सल ही यहाँ के खोल रही है। ओह गला तो बड़े मजे का दिखाएं। चलो वानिया मॉडलिंग करनी शुरू हो जाओ बेटा, फटाफट से करके दिखाओ हमें। ये गुड़िया क्या, ये
कितना प्यारा है गुड़िया तो मैं वाह वानिया बहुत प्यारा है ये पहले दिन सारे बॉयज यही पहन रहे सेम है सेम सबका सेम ये वन अरे वाह ये तो आयजा फर्स्ट डे बनता है बहुत प्यारा है कैसा लगा आयजा अच्छा लगा ओ आयजा की स्क्रंची भी मैच कर रही है भाई इसके साथ तो वाह भाई वाह आयजा अब तो आपकी तो स्क्रंची भी मैच हो रही है अब इसके साथ ओ, कितने मजे की है ये बहुत अच्छी है बहुत अच्छी लग रही है ईदी वगैरह जो है ना वो देने के बाद अब हम लोग आ गए हैं पार्लर देखते हैं क्योंकि मुझे भी करवाना है अपने चेहरे का ये आईब्रोज भी अपर लिप्स भी आपने करवाना है कुछ नहीं रबिया ने कटिंग करवानी है और ये रही मैं ये मैंने आज आपको फुल ड्रेस नहीं अपना दिखाई ये देखें ये है मेरा फुल ड्रेस और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे बाल रबिया मैडम के घिरे हुए और ये देखें मैंने आईब्रोज भी करवा लिए हैं और अपर पूरा रेड रेड हुआ और ये रही ये किसके लिए आपने पकड़े इधर दिखाएं इधर आओ बड़े बाल कटवाए दिखाओ सर तुमने किसके लिए रखे बाल किसके लिए रखे खाला के लिए अब हमारा अगला स्टॉप है जूतियाँ लेनी है निकी ने निकी पसंद करेंगी अपने लिए निकी नहीं लेनी है बस देखते हैं क्या इतनी सारी वैरायटी है अब देखते हैं इसमें से क्या लेते हैं वही सेल भी लगी हुई है फाइनली अब जो है ना हम लोग घर आ गए हैं और सिद्रा मम्मी ने बनाई है बहुत ही मज़े की वाइट कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सिद्रा मम्मी बहुत मज़े की बनाती है जब भी बनाती है ना बहुत यम्मी होती है सिद्रा मम्मी की जो वाइट कढ़ाई होती है ना बहुत ज़्यादा तो बस अब हम खाते हैं टीवी पे कि कल रोज़ा होगा या नहीं अभी तो यही चल रहा है अल्लाह जाने क्या होता है और यहाँ निकी ये रही चीज़ गोइंग तक आ जाएंगे आप है ना मैंने आपके लिए चीज़ रखी वो मैं आपको ज़रूर दूँगी हाँ जी आप कहाँ जा रही हैं मैं जा रही हूँ ऑफिस ऑफिस जा रही हैं खैरियत से अब आप लोगों की हमेशा ऑफिस ही जाती रहती है हाँ उस दिन भी आप गई हुई थी आज भी जा रही हैं असल में पता क्या चक्कर है वो हमारे ऑफिस वालों ने आज चांद रात पे हमारे लिए इवेंट अरेंज किया है इवेंट है मेहंदी लगेगी हमारे हाथों पे और हमें ईदी मिलेगी वेरी गुड पीछे आप लोग देख सकते हैं न्यूज़ चल रही है और के तो रे पहले दिखाया कि लाहौर में चांद जो है वो नज़र नहीं आया कहीं पे भी टाइम ख़त्म फिर अब जो है लाहौर में शहादतें इतना टाइम बाद मिलने लग गई मतलब काफ़ी देर हो गई तकरीबन एक घंटा तो हो गया होगा एक घंटे से ऊपर हो गया होगा तकरीबन हो गया ऊपर हो गया ना और इन लोगों को अब शहादतें दिख रही हैं नहीं कराची में तो पता नहीं 10 तो कराची से मौसूल हुई हैं हाँ। बाकी स्कर्दू से भी हुई हैं अच्छा शेखुपुरा से भी हुई हैं लाहौर से भी हो गई हैं देखो क्या होता है सही बात है तो निक्की जब जा रही थी तो मैंने कहा था कि मैं निक्की आपको कुछ दूंगी जब आएंगी तो मैंने उनको क्या अभी मैंने कुछ किया नहीं है मैंने सोचा मैं निक्की के लिए सेवियाँ बनाऊँगी निक्की को ना बहुत पसंद है ना और निकी बेचारी मुझे कब से कह रही थी सेवियाँ बना के खिला दो तो बस अब मामा जो है ना मुझे ये इसको बाउल में कर दें कि कितनी बनानी है तो क्योंकि बड़ा पैकेट है काफ़ी ज़्यादा बड़ा पूरा तो नहीं बनाना ना बहुत ज़्यादा ही तो फिर आप मुझे इसमें से कर दें लैदा एक बाउल में फिर मैं बनाना यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे न्यूज़ चल रही है कि शवाल का चांद नज़र आ गया है तो सबको चांद मुबारक अभी नहीं हम तो कर रहे हैं उन्होंने कहा है वो देखिए शवाल का चांद नज़र आ गया है तो आ गया चांद मुबारक भी लिखा हुआ लो भाई मम्मा चांद मुबारक मुबारक
हो गए रोजे खत्म। सेम यार, मैं भी चाह रही थी कि एक रोजा तो कम से कम और हो जाना चाहिए था, लेकिन चले कोई नहीं, नहीं बढ़ता तो बढ़ता, उससे ज्यादा तो बढ़ भी ना पाते। लेकिन अब घर में हम सब ये चाह रहे थे कि एक रोजा और हो जाए, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी। हालांकि हमारी तैयारी भी पूरी थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी तैयारियाँ। अच्छा, 60 से ज़ायद पेशावर में। वाह भाई वाह। चलो तो आप सबको भी चांद मुबारक, और सब लोगों को खूब खुशियों वाला दिन हो, कल से ईद मनाएंगे हम। जी मामा मुबारक, चांद नज़र आ गया है। अल्लाह ताला बहुत खुशियों वाला हमें ईद गुजारे, हमारी भी और सबकी। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मेरी तरफ से सबको चांद मुबारक, अल्लाह ताला सबके लिए खुशियों की ईद हो। ये मेरी जो सवैयाँ हैं वो रेडी हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं, देखने में तो यम्मी लग रही हैं। ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा सवैयाँ बनाई हैं, वो भी मैंने निक्की के लिए बनाई हैं, और निक्की जो है वो आ चुकी हैं अभी। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से बाउल में शिफ्ट करती हूँ और फिर निक्की के पास लेके चलते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं। मैंने एक हाथ से उठाया भाई, चलो चलते हैं, चलो चलो चलो, जगह दो जगह दो आपके लिए। अब फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है, अब डिपेंड, पता नहीं अब सही बनाया या नहीं बना। और देखें भाई, हाय लोग मेहंदियाँ भी लगवा के आ गए हैं, ज़बरदस्त। ओए गरम बहुत है। अभी अभी गरम गरम ही अच्छी लगती है, गरम गरम ही पसंद। ये भी मुझे गरम गरम अच्छी लगती है और ये भी मुझे गरम गरम अच्छी लगती है। अच्छा चलें, आप तो बहुत गर्म हो, क्योंकि अभी अभी मैं बिल्कुल चूल्हे से उतार के लाई हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अली साहब जो है निक्की का सारा सामान पैकअप कर रहे हैं। शी इज़ गोइंग बैक होम। इसीलिए मैंने आपके लिए बनाई सेवियाँ, कि आप नहीं खुशी में नहीं बनाई, मैंने कहा आपको मैं जाते जाते सेवियाँ तो कम से कम खिला दूँ, मुझे कब से कह रही थी। और मुझे बहुत पसंद है सेवियाँ। हाँ मुझे इतनी पसंद है सेवियाँ और खीर, सेवियाँ तो बहुत पसंद है। चेक करिए, सही है, सच में सही है। हाँ सही है, फर्स्ट टाइम बनाई है मैंने, बस सही है देखो। चलो शुक्र है, मीठा भी बना सकते हैं, शुक्र है, निक्की को पसंद आ गई। निक्की ने ना ढेर सारे मंगवाए हैं ये एनवेलप्स बच्चों को ईदियाँ देने के लिए, और निक्की ने कहा मैं ना इस पर नाम लिख दो। तो मैं क्या करूँ निक्की, मैं इस पर नाम लिखूँ सबके? मैं बताइया करूँगी, मैं हर एक के कार्ड पे लिख दूँगी मिना खुरम मिना खुरम मिना खुरम, इस वाले पे भी मिना खुरम, सब पे मिना खुरम। फिर इनकी सारी ईदी के जो एनवेलप सारे ज़ाया क्यों करवाने हैं? ज़ाया क्यों करवाने हैं आपने, वो सारे भर के मुझे देने हैं ना, सिर्फ एक ही दूँगी दो चार बस। मामा निकी मैं लाती तो नहीं हूँ ना, चले मैं नाम लिखती हूँ आपके लिए सब पे। हाँ बड़े मजाकी हो, चले एक एक करके आप मुझे दें, मैं लिखना शुरू करती हूँ नेम्स। और ये देखें, ये हमने नाम लिए, सबसे ऊपर मिना खुरम का नाम है। फिर ये किस किस के हैं, ये भी है लिखे हैं, ये सारे मैंने ही लिखे हैं। ये देखो इसमें सारे भरे हुए नाम लिख के हमने इसमें पैकेट में कर दिए। और अब जो है ना निक्की मैडम जा रही हैं घर। अल्लाह हाफिज़ यार, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना। और आप लोग सोचोगे एकदम लोकेशन चेंज, तो लोकेशन इसलिए चेंज क्योंकि हम निक्की मैडम को उनके घर छोड़ने आए हैं। कैसा लग रहा है अपने घर में आके, सुकून फील हो रहा है, मीना तंग नहीं करेगी अब। तो फिलहाल उदास है। हाँ ओबियसली, मम्मा रो नहीं थी आपके निकलने पे पीछे से। और हमने जो है ना सारा निक्की का कमरा, बेडशीट भी हमने चेंज कर ली, ये देखो ये लेटा पड़ा, चलना नहीं है घर, सामान भी निक्की आपका सारे सिस्टम से मेन सिस्टम था। हाँ अली को भाई, अरे सिस्टम सेट कर देता, लेकिन हमें फिर भी था, हम आपको छोड़ के आना ही था, हमें आपको छोड़ निक्की का सिस्टम भी सेट कर दिया, सब कुछ पूरा कमरा आपका चकाचक हो गया। ठीक है, ये सामान है जो निक्की आपको एडजस्ट करना है, लेकिन स्लोली स्लोली कर लेना, आप अपने ऊपर फटीक ना डालना अभी। चले अब हम चलते हैं। ठीक है, थैंक्स टू यू। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स टू यू, ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मुझे याद मत करना, आपको तंग करने वाली कोई नहीं हूँ। सारी बातें याद आएंगी मुझे, एक एक चीज़ से मेरी बात। और अब जो है ना मैं नहा धो के आ गई हूँ, मम्मा ने बनाई है हमारे लिए चाय रात की,
साथ में हम देख रहे हैं व्लॉग्स और ये बाकर खानी दिखाएं मम्मा हमारी। आहा, ये स्पेशल ग्वाल मंडी की जो होती है ना बाकर खानी, वो आई है ज़बरदस्त। और मैडम आप अपना हाथ दें ताकि मैं आपकी मेहंदी लगाना शुरू करूँ, ठीक है? हम फटाफट से लगाते हैं मम्मा के लिए। सो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 6:15 और अब जाके जो है मैं फ्री हुई हूँ। पहले मैंने मम्मा की मेहंदी लगाई और मम्मा तो सो चुकी थी, फिर मैंने अपना व्लॉग एडिट किया और अब जाके मैं थोड़ी देर सोऊंगी और उठना भी फ़ौरन जल्दी ही है क्योंकि सब जगह मिलने जाना है इंशाल्लाह। मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड लेती हूँ। होपफुली आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा ये 2 दिन का। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नई कंटेंट के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मानेगा।